देश के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं पूरे परिवार के साथ बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बनारस से लेकर पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा निर्माण किए जा रहे धार्मिक स्थलों को लेकर भी चर्चा की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेता इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इंदौर पहुंचे। यहां वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला सहित पूरे परिवार के साथ चर्चा की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम धार्मिक स्थलों का निर्माण करा रहे हैं और इसी सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले केदारनाथ से शुरू हुई। इसके बाद बनारस होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करवाया गया। आने वाले दिनों में विश्व विख्यात मंदिरों का इसी तरह कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने पीएम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वही सामर्थ्य की प्रधानमंत्री तमाम ताकतवर देशों के बीच में खड़े होकर कह पाते कि ये युद्ध का समय नहीं है, मानव जाति के बचाने का। संदीप थोड़ा ऊपर करो, ये ताकत बहुत सारे प्रधान होंगे देशों के उनमें नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री में मैं सिर्फ तत्व की सामर्थ्य मानता हूँ, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की ताकत मानता हूँ। और रहा सवाल आज के इस शुभ अवसर का, तो बनारस से ये यात्रा शुरू हुई वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, लेकिन शिव की नगरी जहाँ पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, लेकिन उसे रास्ता देना इतनी सघन आबादी में वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। उसी के उन्हीं की प्रेरणा से हमारे मुख्यमंत्री जी ने महाकाल के स्वरूप को बदलने की कोशिश की है। अब 1,00,000 लोग 1 घंटे में दर्शन करने जा सकते हैं। हर बार कुंभ होता है, हम ऐसा ही व्यवस्थाएं बनाते थे और उसके बाद कहानियां सुनते थे। संदीप ऊपर करना, ये स्थाई बात है, कुछ भी मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और ये बढ़ती और जनसंख्या के घनत्व के लिए बेहतर है कि हम अपने इन प्राचीन स्थलों को दिव्यता भी महसूस कराएं और उसमें भव्यता भी इतनी दें कि लोग हमारी सराहना करते हुए वापस जाएं। वैसे दूसरा ज्योतिर्लिंग भी कोई केंद्र सरकार, पहले भारत सरकार उस स्थान के लिए अपना धन दे चुकी है और भी जो जरूरतें होंगी सरकारों को, आओ किसी को शायद कहना नहीं पड़ेगा, जो जरूरतें इन पर्यटन और हमारी सनातन पृथ्वी को भी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। मेरे साथ नाते भी कह सकता हूँ, मैं कुछ समय भारत सरकार का पर्यटन मंत्री रहा हूँ और संस्कृति मंत्री रहा हूँ, इसलिए हमारे जो स्थान है चाहे ज्योतिर्लिंग स्थान हो, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर उसका लाभ मिलेगा। और उसके लिए भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना बना रखी है जो लगातार इस पर काम कर रही है। आज यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अटकलें ऊपर करो, संदीप करो, आवाज नहीं आ रही। मैं आज आदरणीय बड़े भैया के चरणों में सज्जा केवल आ रही, थोड़ा करो, ये सबको पता है और जो अटकलें लगा रहे हैं उनको भी पता है कि यहाँ मेरा पारिवारिक संबंध है, बाकी लोगों का कम ज्यादा होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये संजय भाई के प्रति एक प्रकार से उनकी निष्ठा को कमतर आंकना ये हम सबके लिए अपमानजनक है। ये सही है कि हम लोगों के रक्त में ओज और तेज है, विचारधारा की सामर्थ्य है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय पर ये अटकलें दुर्भाग्यपूर्ण है।